नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चाट मसाला बनाएंगे। चाट मसाला बाज़ार से ला सकते हैं, लेकिन घर में इसे बनाएं तो हम इसे अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा तीखा, कम तीखा, ज़्यादा खट्टा या कम खट्टा बना सकते हैं। चाट मसाले को हम चाट में तो डालते ही हैं, इसको हम पुलाव में डाल सकते हैं, दाल में डाल करके खा सकते हैं, और जब आप मूंगफली छील करके खा रहे हों तो साथ में चाट मसाला ले लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए चाट मसाला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 125 ग्राम काला नमक लिया है, 100 ग्राम सादा नमक है, 50 ग्राम साबुत धनिया, 50 ग्राम जीरा, 25 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम अमचूर पाउडर, 10 बारे लाल मिर्च और 10 ग्राम हमने लिए हैं टार्टरी, टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं इसे, और हींग हमने लिए है करीब 4 ग्राम, 1/4 छोटी चम्मच से भी आधी। तो चाट मसाला बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, बस ये जो साबुत मसाले हैं इनको हम हल्का सा भूनेंगे और सबको मिक्स करके बारीक पीस लेंगे, हमारा मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम इन्हें भून लेते हैं। तो गैस हम ऑन करते हैं और पैन को गर्म करते हैं। साबुत धनिया हम पैन में डाल देते हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बड़ा हल्का सा भूनना है, क्योंकि मसालों की थोड़ी सी नमी ख़त्म करनी है। मसालों को भूनना नहीं है, जस्ट इनकी नमी ख़त्म हो जाए, यानी 1-2 मिनट हम इस तरीके से चलाते हुए इन्हें भून लेंगे। और अगर अच्छी धूप हो रही है तो मसालों को हम अच्छी धूप में रख दें और पीस लें, हमें भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये काली मिर्च भी हम इसी में डाल देते हैं और लाल मिर्च भी डाल देते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हल्की सी क्रिस्प हो जाएंगी और बड़ी आसानी से पिस भी जाएंगी, टेस्ट भी इनका अच्छा हो जाएगा। तो हमने इन मसालों को बिल्कुल इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 2 मिनट भून लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और मसालों को, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है इसलिए हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। इन्हें ठंडे होने के बाद हम पीसेंगे। तो ये मसालों को हम इस प्याले में निकाल देते हैं और ये थोड़े ठंडे हो जाएं, तब हम इन्हें पीसेंगे। और ये मसाले हमने पहले से ही अच्छे तरीके से देख करके साफ कर लिए हैं। मसाले ठंडे हो गए हैं तो अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो जार में डाल देते हैं, टाटरी भी डाल देते हैं और ये हींग भी डाल देते हैं, और साथ में डाल देते हैं हम सादा नमक। ये मसाले बड़े अच्छे से बारीक पीस करके तैयार हो जाएंगे। मसाले हमने ये पीस लिए हैं, थोड़ा 1 मिनट बाद इसे खोलेंगे, क्योंकि एकदम से अगर ढक्कन खोल दें तो मसाले का जो बारीक पाउडर है वो ऊपर तक उड़ता है। तो हम इसे 1 मिनट रुक के खोलेंगे। और ये मसाले हम छान लेते हैं हम छलनी में, तो इन्हें हम छलनी में डाल देते हैं। और मोटा मसाला हम इस प्याली में निकाल लेते हैं, इसे हम फिर से एक बार पीस लेंगे। मसाले को हमने छान लिया, ये मोटा मसाला हम जार में वापस डाल दे रहे हैं, इसे फिर से पीसेंगे। और जो हमारे पास काला नमक है उसे भी साथ में मिक्स कर दे रहे हैं, ताकि नमक के साथ में मसाला पीसा जाता है तो वो जल्दी से बारीक हो जाता है। और ये अमचूर पाउडर भी हम इसमें मिला दे रहे हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मिक्स तो करनी ही है। मसाला हमने पीस कर तैयार कर लिया, इसे भी छान लेते हैं। ये मसाला हमने पीस कर छान करके तैयार कर लिया है, और थोड़ा सा जो मोटा मसाला बच जाता है उसे आप टमाटर अदरक के साथ में पीस कर सब्जी में डाल करके काम में ले सकते हैं।
और हम चम्मच से अच्छे तरीके से इनको मिक्स भी कर देते हैं। अगर आप चाहें तो एक बार मसाले को और छान सकते हैं मिक्स करके, तो और भी अच्छे तरीके से मसाला मिल करके तैयार हो जाएगा। और ये हमारा अब चाट मसाला बन गया है, और ये सारे मसाले हमारे मिल करके 400 ग्राम चाट मसाला तैयार हो गया है। चाट मसाला बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा चाट मसाला बना है, बहुत ही स्वादिष्ट चाट मसाला बना है। चाट मसाले को ठंडा होने के बाद किसी भी अच्छे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और 6 महीने तक खाते रहिए। आप ये चाट मसाला बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।